के नायक साहब, मेरा नाम विकास है, विकास गुप्ता, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो जिज्ञासा की ज्योत जगाई है हम सबके अंदर धर्म के बारे में जानने के लिए। और मैं भी पहले धर्म के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, मगर आपको सुनने के बाद मुझे भी धर्म में रुचि हुई है। और अब जब मैं कुछ कुछ जानने लगा हूँ धर्म के बारे में, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने एक शब्द सुना है काफिर, तो ये काफिर शब्द जो है ये ईश्वर को ना मानने वालों के लिए है या इस्लाम को नहीं मानने वालों के लिए है? भाई का बहुत अच्छा सवाल है। सवाल तो हमेशा पूछते हैं काफिर क्या, इसका सवाल जरा और अच्छा है माशाल्लाह भाई साहब का, कि काफिर का मतलब वो जो ईश्वर को नहीं मानता है, कि काफिर का वो मतलब है जो इस्लाम को नहीं मानता है। काफिर का सही मतलब है जो सही ईश्वर को नहीं मानता है। अगर आप गलत ईश्वर को मानते तो भी काफिर है, और सही ईश्वर का मतलब आपको इस्लाम में ही मिलेगा। इस्लाम के मानी है अपने ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करना, तो वो आदमी जो अपने ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है उसे कहते काफिर। अगर एक शख्स कहता है मैं ईश्वर में मानता हूं लेकिन ईश्वर की बात को नहीं मानता है तो भी काफिर होता है। आप समझे ना? तो मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि जिसका नाम सुल्तान है आकिर मोहम्मद है। मुस्लिम का मतलब वो शख्स जो अपने सारे ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करता है उसको कहते हैं मुस्लिम। और जो अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है और कहता है कि जरूरत नहीं है उसे कहते काफिर। तो अगर आप कहेंगे कि मैं ईश्वर को मानता हूं, बुत परस्ती नहीं करता हूं, लेकिन फिर जो ईश्वर को कहना नहीं मानते और बोलते जरूरी नहीं है तो उसे कहते कुफ। कुफ अरबी लफ्ज है जिसे कहते छुपाना, टू कंसील या रिजेक्ट करना, नहीं मानना। तो अगर आप ईश्वर की बात को भी नहीं मानते तो भी आप काफिर हो जाते हैं। आप मतलब कोई भी शख्स नाम चाहे अब्दुल्ला हो, सुल्तान हो, राजेश हो या रामू हो, कुछ भी हो, अगर वो ईश्वर की बात को झुटलाता है, रिजेक्ट करता है, उसे अरबी में कहते हैं काफिर। बेशक। और मैं ये भी जानना चाहूंगा, जब मैंने इस्लाम के बारे में जानना चाहा तो मैंने इस्लाम के बारे में कुछ कुछ जो भी जाना तो उसमें मुझे कहीं ऐसा लगा कि ये सच नहीं हो सकता, इसीलिए मेरा ये मिसकंसेप्शन है या ये सही है, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा माना जाता है क्या इस्लाम में कि जो इस्लाम को ना माने या जो काफिर है उसे मार दिया जाए, काट दिया जाए, उसके फैमिली को लूट लिया जाए? क्या ये किस हद तक सच है और क्या उसको इस दुनिया में जीने का हक नहीं? माशाल्लाह भाई साहब ने अच्छा सवाल किया। वो कहता है कि मुझे ये गलत फहमी है और लगता है कि गलत है कि इस्लाम में काफिर को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। आपको कोई भी मुसलमान ने मारा या काटा है ना? आप माशाल्लाह सही सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इसे मारा खाता? मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कहीं है लिखा हुआ है? वेरी गुड। ये क्या होता है कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते हैं, मिसाल के तौर पे अरुण शोरी का नाम सुने? अरुण शोरी जो मिनिस्टर था चंद साल पहले, बहुत किताब लिखते है इस्लाम के खिलाफ, बहुत मशहूर है इस्लाम के खिलाफ। लोग क्या करते, कुरान मजीद की आयत उठाते आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पस मंजर के खिलाफ लिखते, और एक आयत जो बहुत इस्लाम के क्रिटिक उछालते वो सूरह तौबा की आयत सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, और लिखते हैं कि कुरान में लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनके कत्ल करो। आप अगर कुरान मजीद खोलेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे कत्ल करो, लिखा है। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। पस मंजर जानने के लिए आपको आयत नंबर पहले से पढ़ना पड़ेगा, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है कि मुस्लिम और मुश्रिक मक्का के उनके बीच में एक पीस ट्रीटी थी, एक सुलह थी। ये पीस ट्रीटी, ये सुलह इस तरफा मुश्रिकों ने तोड़ दिया मक्का के। जब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 पे आते तो कहते हैं कि हम तुम्हें 4 महीने का वक्त देते हैं, 4 महीने की मोहलत, आप सुधर जाओ वरना एलान जंग। आपने सुलह की थी, आपने सुलह को तोड़ी, 4 महीने का वक्फा, सुधर जाओ वरना एलान जंग। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जंग के मैदान में जब भी आप काफिर को पाएंगे, मतलब दुश्मन जब आएंगे जंग के मैदान में, तो आप लड़ो, डरो मत। अभी कोई भी आर्मी जनरल आज की तारीख में सिपा सरार वो थोड़ी कहेगा दुश्मन आए तो भाग जाओ, वो कहेगा डरो मत, लड़ो, मारो। कोई जंग के मैदान के आते कि आप जब देखेंगे तो डरो मत, मारो। जंग के मैदान में जब काफिर तुम्हें हमला करने आ रहे मारो। और अरुण शुरी आयत नंबर 5 से उड़ी मारते आयत नंबर 7 में,
उसने किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास इस्लाम के खिलाफ, आयत नंबर 5 से जम मारते आयत नंबर 7 पे, 5 के बाद क्या आता है? 6 को खा जाते, क्यों? 6 में उसका जवाब है, उसके बीमारी का जवाब है। आयत नंबर 6 में सूरह तौबा के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई काफिर सुलह चाहता है उसे छोड़ मत दो, उसे ऐसी अमन के जगह पर महफूज पहुंचाओ। क्या कहता है अल्लाह ताला? अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, अमन चाहता है, उसे छोड़ मत दो, उसे समाज के हिफाजत के साथ महफूज जगह पे जाके छोड़ो। एस्कॉर्टिंग टू प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। आज का सिपा सलार सबसे दयालु क्या बोलेगा? दुश्मन को जान दो। यहाँ अल्लाह ताला कहते सिर्फ छोड़ो मत, ऐसी जगह पे लेके जाओ हिफाजत के साथ जहाँ वो महफूज है। समझ रहा? तो ये कुरान क्या कहते? तो इन लोग पसे मंदिर के खिलाफ कोट करते, और जहाँ भी जिहाद के आए थे जंग के मैदान में, जब आप मिलते गैर मुस्लिम से, वो आपको कतल करना है, कतल करो, उसके बाद फौरन आप पढ़ेंगे सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 के बाद 61 में लिखा है अमन बेहतर है। महाभारत में कतल करने के कितने शौक आते, कितने हजारों, कुरान से कई ज्यादा। तो महाभारत जानते आप ना? जब मैं हिंदू से पूछता हूँ महाभारत में झगड़ने के कितने, लड़ने के कितने शौक है, तो वो हिंदू मुझसे कहता है। के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध बराबर। तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है? बातिल के खिलाफ है, वो बातिल को झगड़ने का लिखेला है महाभारत में। तो मैं कहता हूँ कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो? जो धर्म के खिलाफ है। आप समझे ना? धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा। तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में। और भगवत गीता, भगवत गीता अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, भगवत जाने वाली किताब भगवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45 उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास, पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है मैं जंग के मैदान में निहत्ता मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद चंद श्लोक बाद भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते? ए अर्जुन तू बुजदिल कब से हो गया? ये गलत ख्याल तेरे दिल में आए कैसे? तू नपुंसक कैसा हो गया? इंपोर्टेंट। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? इंपोर्टेंट, नपुंसक। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण अर्जुन से। बुजदिल कब से हो गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग कहते हैं, एतराज करते हैं इस्लाम के दुश्मन क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे फिर मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। लिखा है सही बुखारी में किताब जिहाद जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 कि जंग के मैदान में जब मुजाहिद जाता है उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में, अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर लोग बोलते कैसा मजहब है, लड़ने पे कत्ल करने पे जन्नत जाएगा, गलत मजहब है। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 37, 37 श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, हे अर्जुन उठ के लड़, अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उसे दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है। तो अरुण शूरी जब तनकीद करता है कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा, अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। आप समझ रहे? तो ये